नमस्ते, मेरा नाम वीना है और आप सबका स्वागत है veenaskitchen.com में। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मेरे बाल बहुत लंबे हैं और लंबे बालों को करने के लिए क्या करना ज़रूरी है, तो इस वजह से मैंने इस चैनल पर यानी कि वीनास किचन में ये एक वीडियो बनाने का डिसाइड किया है। अदरवाइज अगर आप मेरे हेयर स्टाइल और हेयर केयर के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, नाम है वीनास ब्यूटी टिप्स, आप उस पर ज़रूर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बार में मैं पूरा डिटेल्स दे दूँगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बालों में मैं नारियल का तेल इस्तेमाल करती हूँ और नारियल का तेल जो है वो बालों में सभी अच्छे से लगा देती हूँ। कोई भी नारियल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो स्कैल्प होता है, जो रूट्स यानी जड़ जो होते हैं वहाँ पे अच्छे से लगाती हूँ, और सब जगह पे लगाने के बाद में, जड़ों में लगाने के बाद में फिर जाकर बालों में लगा देती हूँ अच्छे से। अब सब बालों में तेल लग चुका है तो मैं जाकर एक 10 मिनट जो है हम बालों का अच्छे से मसाज करेंगे, जो जड़ों के तरफ जो चमड़ा है उसको वहाँ से अच्छे से मसाज करके लेंगे, और मसाज करने के बाद में हम एक घंटा रख देंगे। अब एक घंटे के बाद में जो है मैं शैम्पू का इस्तेमाल करके, शैम्पू जो है आप जो हमेशा इस्तेमाल करते हैं वही शैम्पू का इस्तेमाल करके आप बालों को अच्छे से धो सकते हैं, धोकर फिर सुखा देना है। तो ये है मेरा सिंपल सा हेयर केयर रूटीन जो मैं हमेशा करती हूँ, हमेशा ऐसे ही मैं फॉलो करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो ये जो वीडियो है आपको पसंद आया, और उम्मीद करती हूँ कि आप को जितने भी सवाल थे उन सबका जवाब मिल चुका होगा ये वीडियो पर। अगर आपको और कोई भी सवाल या जवाब रहे तो आप ज़रूर वीनास ब्यूटी टिप्स में जाएं और वहाँ पे आपके सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका जवाब ज़रूर दूंगी। या तो फिर आप यहाँ इस वीडियो में आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपके सवाल के जो भी जवाब है वो ज़रूर दे दूँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्यार दिया, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जो मैंने अभी हिंदी वीडियो जो स्टार्ट किया, हिंदी आपके ही कहने पर मैंने हिंदी में वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो मैं और भी वीडियोस बनाती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए और हम मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।